के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप अमां सभी खुश हूंदो ऐं हिक नए ॾींहं जो आगाज़ थी वियो हूंदो ऐं बिना कंहिं टेंशन जे, बिना कंहिं परेशानी जे। जेकॾहिं पोएं ॾींहं में कुझु टेंशन्स आया, कुझु परेशानियूं आयूं, काई ॻाल्हि नाहे, ज़िंदगी जो हिसो आहिनि, सभई शयूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि। सो हर शइ खे वेलकम करणु खपे, चाहे उहो ॾुखु हुजे या सुखु हुजे। अक्सर असां वटि इहो मञियो वेंदो आहे त ज़ीरो खां पोइ जॾहिं इंसानु नाकाम थींदो आहे या का बि परेशानी ज़िंदगी में ईंदी आहे त असां सम्झंदा आहियूं त बसि हाणे इन खां पोइ थी सघे थो ख़ुशियूं असांजे दरवाज़े ते दस्तक ॾींदियूं कोन। पर हिकिड़ी ॻाल्हि असां हमेशह विसारे छॾींदा आहियूं त हिकिड़ी कारी राति खां पोइ, डार्क राति खां पोइ वरी सुबुह जो हिकिड़ो नओं सिजु उभरंदो आहे, नई उमंग सां, नए जोश सां, नए जज़्बे सां। ऐं दर हक़ीक़त मालिक जो इहो दस्तूर आहे ऐं मालिक जो इहो कानून आहे, मालिक जी इहा समुझाणी आहे असां सभिनी जे लाइ त असां इन्हनि सभिनी शयुनि खे पंहिंजी ज़िंदगी में नोट कयूं ऐं उनखां पोइ असां अॻिते वधूं। पर ख़बर नाहे छो सभई शयूं असांजी अखियुनि जे साम्हूं आहिनि, उनजे बावजूदु असां सिर्फ़ु पंहिंजी ॿुधंदा आहियूं, पंहिंजे दिलि जी कंदा आहियूं, पंहिंजे दिमाग़ जी कंदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं त ख़ैरु दिलि वीचारी खे साइड ते बि रखी छॾींदा आहियूं, छो जो अॼोके दौर में दिलि जो कमु इलाही घटिजी वियो आहे, दिमाग़ जो कमु इलाही घणो वधी वियो आहे। इहो ई रीज़न आहे जॾहिं तव्हांजे ज़हन में 24/7 अजीबो ग़रीब ॻाल्हियूं हुजनि, अजीबो ग़रीब मसला हुजनि, उहे मसला हुजनि जिनि जो को बुनियादी न हुजे, उहे टेंशन्स हुजनि जेके दर हक़ीक़त हिन दुनिया में शायदि एतिरा स्ट्रॉन्ग कोन आहिनि जेतिरा तव्हां उनखे सम्झो था, या उन हद ताईं अवां जे लाइ डेंजरस न आहिनि हूंदा जेतिरो अवां सम्झो था। पर छा आहे न, इंसान जे ज़हन जो तूर आहे त हिकिड़ी ॻाल्हि जेकॾहिं मां ज़हन में विहारे छॾी त बसि विहारे छॾी, उनखां पोइ दुनिया हिकिड़े पासे ॾे, मां ॿिए पासे ॾे। दुनिया जेकॾहिं चवंदी त न हीअ शइ तव्हांजे फ़ाइदे में आहे, मां चवंदमि न न न, हिन त पहिरियों बि मूंखे नुक़सानु ॾिनो, हाणे त थी नथो सघे त हीअ शइ मुंहिंजे फ़ाइदे में हुजे। कॾहिं वरी ईअं हूंदो आहे त दुनिया चवंदी आहे त हे कमु तुंहिंजे नुक़सान में आहे ऐं हे कमु न कजांइ, पर असां ज़िद कंदा आहियूं त न, असांखे हीउ कमु करिणो आहे। दुनिया खे कहिड़ी ख़बर, असां त माशाल्लाह एतिरो पढ़िया आहियूं, एक्सपीरियंस आहे ज़िंदगीअ में, वॾनि खे कहिड़ी ख़बर, असां सभु ॼाणूं था, असांखे सभु ख़बर आहे। इहे शयूं आहिनि जेके असांजी ज़िंदगी खे डिस्टर्ब पियूं कनि। रोज़ मां ज़िंदगी ते लेक्चर इन करे ॾींदी आहियां छाजे करे जो ॾिसो, ज़िंदगी सभ खां वधीक अनमोल ऐं सभ खां वधीक हसीन शइ आहे। जेकॾहिं ज़िंदगी जो ख़्यालु नथा रखूं, ज़िंदगी खे नथा सम्झण जी कोशिशि कयूं, त पोइ दुनिया में का बि शइ सम्झ में कोन ईंदी। ऐं असां ग़लती हिते ई था कयूं त असां दुनिया जी हर शइ खे सम्झण जी कोशिशि कयूं था, पर कॾहिं बि पंहिंजे अंदरि में नथा ॾिसूं। असां आईनो ॿिए खे त ॾेखारियूं था, पर उनखे ॾेखारण खां पहिरियों असां पाण नथा ॾिसूं त असांजो जेको चहिरो आहे उहो बि सुठो आहे, या सिर्फ़ु ॿियनि ते असां तनक़ीद पिया कयूं त तुंहिंजे चहिरे ते दाग़ आहिनि, तुंहिंजो चहिरो ख़राबु आहे। चवण जो मतिलबु इहो आहे त ॿियनि मां ग़लतियूं कढण खां बहितर आहे त तव्हां पंहिंजे पाण ते हिकिड़ी नज़र विझो। छा तव्हां परफेक्ट आहियो? थी नथो सघे, छो जो अलाह साईं जे ज़ात खां सिवा का बि शइ परफेक्ट कोन आहे, ऐं को न को नुस का न का ग़लती हूंदी आहे। हिकिड़ो दफ़ो जेकॾहिं असां नेगेटिविटी ज़हन में विहारे था छॾियूं त उनखां पोइ असां चाहे बि ख़बर नाहे छो पॉज़िटिव नथा सोचे सघूं। हालांकि हर इंसान में जिते कुझु खामियूं हूंदियूं आहिनि उते ख़ूबियूं बि हूंदियूं आहिनि, पर उहा ई ॻाल्हि आहे न त असां ज़हन में हिकिड़ी शइ फिट करे छॾी त शाज़िया सुठो नथी ॻाल्हाए, मतिलबु नथी ॻाल्हाए, भले पोइ मां कुझु बि कयां इन जे लाइ, भले मां सॼी राति वेही स्टडी कयां, पर जेकॾहिं तव्हां ज़हन में ॻाल्हि विहारे छॾी आहे त मां तव्हांजे ज़हन खे चेंज नथी करे सघां। तव्हांजे ज़हन ते कंट्रोल तव्हांजो आहे ऐं पंहिंजे ज़हन ते हुकुमरानी पाण कयो, दुनिया खे हुकुमरानी जी इजाज़त न ॾियो। छो जो जॾहिं दुनिया तव्हांजे दिमाग़ ते हावी थी वई त पोइ दिमाग़ तव्हांजो साथ छॾे वेंदो, ऐं जेकॾहिं तव्हांजो साथ दिमाग़ छॾींदो त पोइ तव्हां, उहो चवंदा आहिनि न हिकिड़ो मुहावरो आहे, न घर का न घाट का, सो उहा ई वरी सिचुएशन थी वेंदी त तव्हां पंहिंजे हर शइ ते पाण कंट्रोल रखो। दुनिया छा थी करे, दुनिया काॾे थी मूव करे, तव्हांजो मतिलबु न आहे। हा, तव्हां पॉज़िटिव शयुनि खे पंहिंजी ज़िंदगी में शामिलु कयो, पर तव्हां छा आहियो, तव्हांजी सोच छा आहे, तव्हां ते छा सुठो लॻे थो, तव्हांखे छा करणु खपे, तव्हांजो मिशन छा आहे, तव्हांजो ज़िंदगी जो विजन केतिरो क्लियर आहे, इहे सभई शयूं जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे पाण में ॾिसंदो, पंहिंजे पाण में तलाश कंदो, ज़िंदगी तमामु घणी ईज़ी थी वेंदी। ख़ैर, ईअं न थिए जो मुंहिंजूं ॻाल्हियूं ॿुधी करे तव्हांजो बी पी हाई थी वञे। मूंखे यादि आयो, अॼु असां प्रोग्राम बि नई ताईं करण वारा आहियूं त अॼुकल्ह बी पी जो मर्ज़ु इलाही घणो आहे, जंहिंखे असां ब्लड प्रेशर था चऊं। ऐं अक्सर ईअं चयो वेंदो आहे भई कावड़ अची वई, बी पी हाई थी वियो, बी पी लो थी वियो, पर इन जे पोयां सवें रीज़न्स हूंदा आहिनि जंहिंजी असांखे ख़बर कोन आहे। पर मेडिकली फील्ड एतिरी तरक़ी कई आहे, उनखे सभु ख़बर आहे त जेकॾहिं तव्हांखे बी पी जो मर्ज़ु आहे त छो आहे, उन जा कारण छा आहिनि। सो अॼु असां कोशिशि कंदासीं त इन मर्ज़ जे हवाले सां डिटेल में ॻाल्हायूं, ऐं छा ही एतिरो ईज़ी आहे त मथे में सूरु पए त असां चऊं त असांजो बी पी लो आहे, बी पी हाई आहे, तव्हां पाण उन जी तशख़ीस था कयो, तव्हां पाण उन में उनजो घर में इलाजु था कयो, केतिरो रिस्क फैक्टर आहे,
केतिरियूं इहे शयूं तव्हांजे लाइ डेंजरस आहिनि, इहे सभई शयूं अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। सो मां त नथी करे सघां न, डॉक्टर जी ज़रूरत आहे असांखे। सो डॉक्टर बिल्कुलु अची चुको आहे, माशाल्लाह तमामु घणो ॼाणू आहे। ऐं इन खां अलावा असां काफ़ी बीमारियुनि ते ॻाल्हाए चुका आहियूं, शुगर ते ॻाल्हाए चुका आहियूं, फालिश ते ॻाल्हाए चुका आहियूं, जंहिंखे असां चयो त भई ऐं गोॾनि जे सूर ते ॻाल्हाए चुका आहियूं, डिफरेंट मर्ज़नि जे हवाले सां ॻाल्हाए चुका आहियूं। पर असां सोचो त छो न असां स्टेप बाई स्टेप अॻिते वधूं ऐं डिफरेंट जेके असां वटि क्रॉनिक बीमारियूं आहिनि उन्हनि ते असां ॻाल्हायूं। सो अॼु बि असां सां गॾु मौजूदु आहे तमामु बहितरीन शख़्सियत जो मालिक डॉक्टर सलमान ज़मान ख़ान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम कहते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। सेम टू यू। गुड मॉर्निंग। और आपके भी नाज़रीन व्यूअर्स को सलाम सिंध के मेरी तरफ से सलाम। और कैसी तबीयत है आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आज आप थोड़े डाउन डाउन फील हो रहे हैं? नहीं, वो मैं शोज पे रूटीन जाना पड़ रहा है मैं सुबह में, तो मेरा परे ज़रा आजकल हैक्टिक हूँ। okay. और फिर अपना वर्क, मेरा लोड बहुत ज़्यादा है। और इसी बात से मुझे एक बात भी याद आ गई कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके व्यूअर्स से कि मैंने व्यूअर्स की मतलब पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपने टाइम को इंक्रीज़ किया है। okay, great. जी, उनके मेरा मेरे ऊपर बड़ा पेशेंट्स का प्रेशर था और सुबह 12 से लेके शाम 4 बजे तक मेरी टाइमिंग है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। और मैंने शाम में अपनी टाइमिंग बढ़ा दी है 6 to 9। और बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पेशेंट से कि जब भी आएँ अपना लास्ट प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, वो लेकर आएँ। और उसके साथ थोड़ा सब्र और तहम्मुल का साथ थोड़ा सा वेट करें ताकि दूसरे पेशेंट्स को भी मैं टाइम दे सकूँ। सही, ये एक इंपॉर्टेंट बात है टॉपिक पे हमारा। और दूसरी बात, अक्सर हम लोग लाइन का ख्याल नहीं रखते कि अगर फ़र्ज़ करें आपको नंबर दिया गया, एक लाइन बनी कि आप इसमें लगें, अपना नंबर लें, तो हम जाने क्यों रूल्स को ब्रेक करना सबसे बड़ा फ़र्ज समझते हैं अपना। तो अगर ये नहीं करेंगे आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी तकलीफ़ आपको है उतनी तकलीफ किसी और को भी होगी। अगर मुझे सर में दर्द है, आपको भी सर में दर्द है, तो इक्वल हुआ ना। फिर मैं आगे भागने की कोशिश क्यों कर रही हूँ जबकि तकलीफ तो आपको भी है मिसाल के तौर पर। तो अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आई थिंक ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो आपके साथ हमारे साथ एक बहुत प्यारे से क्यूट से सिंगर मौजूद हैं, और प्यारे से क्यूट से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मुझसे भी बड़े हैं माशाल्लाह उम्र में और मुझसे भी ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं। सो व्यूअर्स अगर बुधाई हल्ला तो माशाला तमाम सुनो इन आवाज़ है इलाही नंढड़ा मा ये मजाक पे गया तो मुखा भी यूनो घना तालीम याफ्ता है। अज़ीज़ अगर मौजूद है सैफ अली। अस्सलामु अलैकुम सैफ, कैसे हो? वालेकुम सलाम। नाश्ता किया है? जी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नाश्ता किया है? जी हाँ। ऐसे बोलते हैं जब टीचर बच्चा बोलता नहीं ना, तो टीचर उसको चीख के बोलती है और बच्चा उतनी एनर्जी के साथ जवाब देता है। तो आज हम आपसे गाने सुनने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, पक्की बात है। वैसे नाश्ते में क्या खाया था आज? ब्रेड और ऑमलेट। अच्छा अच्छा, क्या बात है, फिर तो अंडा खाने के बाद तो तवानाई ज़्यादा होनी चाहिए भैया आपके अंदर। चलें जी, वो हम म्यूज़िक में सुनेंगे, आपसे बातें भी करेंगे। और व्यूवर्स हमारे बुधाई नहीं लाता असा सगर तबले ते मौजूद है आसिफ अली। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी वेलकम कहते हैं। आई तमाम वो म्यूज़िक कंपोज़र असा सगर मौजूद है मोहरम नाज। अस्सलाम वालेकुम सर, अवे भली कार चवी लखथोरा वहाँ जो हमेशा जी अजब भी मौजूद आयो। आई होप तो हि जो नंढड़ो जो असा वट मौजूद है तुम सभी के मन के मोहिंद इलाही सुनो गाई। सो खैर, बातें भी चलती रहेंगी। आज आपके लिए म्यूजिक का इंतजाम, हमेशा आप कहते हैं कि उर्दू चीज़ होनी चाहिए, उर्दू सॉन्ग्स होने चाहिए। नहीं, आप सिंधी तो काफ़ी हद तक मुझे समझ में आने लगी है मगर उर्दू मिक्स हो तो ज़्यादा बेहतर है। सही नहीं, आज हमने सोचा कि स्पेशली आपके लिए ना, और ये इस छोटे से बच्चे की आवाज़ आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना अच्छा गाता है। तो सबसे पहले तो चूँकि मैंने आगाज़ में कहा कि भाई हम लोग अक्सर यूँ समझते हैं कि भाई सर में दर्द हुआ, लो जी बी पी हाई या लो हो गया, मतलब खुद से अंदाजे लगा रहे होते हैं। तो क्या है ये बी पी, ब्लड प्रेशर? देखें ये कितना पुराना और पेचीदा मर्ज़ है और क्या इसको किस तरीके से आप डिफाइन करना चाहेंगे? मैंने जैसे भी जैसे जितनी भी पहले भी बातें की हैं उन सारी बीमारियों की हैं जो कि कंट्रोलेबल हैं, क्यूरेबल नहीं है। लाइक डायबिटीज, लाइक अर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द, शुगर, डायबिटीज, फिर फालिज, और अब ये टॉपिक है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना जिसको हमारी जबान में हाइपर टेंशन कहते हैं। हाइपर टेंशन जी। और ये भी उन्हीं बीमारियों में से एक है जिसका क्योर नहीं है, कंट्रोल है। सही, यानी कि बिल्कुल आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। अगर एक दफ़ा आपको अंदर डायग्नोज हो चुकी है, इसकी अलामतें आ चुकी हैं, ब्लड प्रेशर का पता चल चुका है कि आपको बड़ा रहता है चाहे कम रहता है चाहे ज़्यादा रहता है नॉर्मल रीडिंग से ज़्यादा, तो भी वो क्योरेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है। Okay. और ये बिल्कुल शुगर की तरह ही है कि अगर इसको आपने अनकंट्रोल्ड रहने दिया, मतलब अगर ये सही नहीं रहा और ये बढ़ा हुआ रहा, तो इसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी और पेशेंट को लीड करेंगी बहुत सीवियर बीमारियों की तरफ और आखिरी में इंसान की इम्मत भी इसमें हो जाती है। ओह माय गॉड। तो इसलिए ब्लड प्रेशर इस बहुत नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना
शुगर फालेज और जोड़ों का दर्द था, बल्कि मैं समझता हूँ ये तो इन सबसे ज़्यादा शुगर के बाद अगर मैं समझता हूँ ब्लड प्रेशर को समझता हूँ कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और इसमें होता यह है कि पेशेंट का हार्ट किसी वजहों की वजह से ज़्यादा पम्प करना शुरू कर दे और जो आगे हमारी आर्टरीज़ हैं जो नालियाँ हैं खून की वो तंग हों किसी भी वजह से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से, उस पर जमने की वजह से, कोई भी रीज़न हो, तो होता क्या है कि हार्ट वहाँ से प्रेशर पम्प कर रहा है ब्लड को और नीचे से आगे सही से प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो रहा हमारी नालियों में, तो उसकी वजह से प्रेशर बनना शुरू होता है, जिसको हम अगर वो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए नालियों में उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओके, और इसके सिम्टम्स और टाइप्स के हवाले से भी बात करना चाहेंगे। देखें, इसके सिम्टम्स बिल्कुल हैं और सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा इसमें जो हेडेक, सर का दर्द पीछे की साइड पे रहता है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं और वही शिकायत करते हैं कि अक्सर मैंने बेशतर देखा है डॉक्टर साहब आगे सर में दर्द रहता है, आगे सर का दर्द जो होता है वो साइनेसिस का होता है ज़्यादातर, साइनेसिस मोस्टली, जी बिल्कुल मोस्टली साइनेसिस का होता है। okay. मगर जो ब्लड प्रेशर का दर्द होता है वो ज़्यादातर हमारे ऑक्सीपिटल रीजन के साथ, सर्वाइकल रीजन के साथ हमें महसूस होता है और हमें पता ही नहीं होता है कि हमें ब्लड प्रेशर है और ये अनकंट्रोल चल रहा होता है, क्योंकि पेशेंट ब्लड प्रेशर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि मेरे लिहाज से ये सबसे ज़्यादा सीरियस मामला है और ये सारी बीमारियों को आगे जाके लीड करता है, जिसका भी हम जिक्र करेंगे आगे प्रोग्राम में। तो जब डॉक्टर के पास आता है पेशेंट तो वो बताता है सर में दर्द, आप चेक करते हैं तो एकदम से आपको पता चलता है इनका ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ। okay. तो हो सकता है उसका किसी स्ट्रेस की वजह से हो, मगर फिर हम उसको चेक पर रखते हैं 3 दिन 4 दिन, हम बुलाते हैं भी सुबह की रीडिंग, रात की रीडिंग हमें चाहिए, फिर हम डिसाइड करते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या नहीं। अगर कंटिन्यूसली बड़ी हुई रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है, और उसके साथ हमें उनके कुछ टेस्ट कराना पड़ते हैं जिसका मतलब कोलेस्ट्रॉल के होगा और ये सारी चीज़ होगा, ये देखने के लिए कि ये ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है। अच्छा, एक तो ये अलामत हो गई हेडेक, दूसरा डिजीनेस, सांस का फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी सिम्टम्स में हैं ब्लड प्रेशर की, और इसकी मज़ीद टाइप्स हैं, फिर कॉजेज हैं, वजूहत हैं, मगर कॉजेज एज सच इसकी अननोन है आज तक, रिसर्चर्स आज तक निकाल ही नहीं पाए इसकी प्रॉपर कॉज क्या है, तो कॉजेज इसके अननोन है, मगर जो कॉजेज हैं वो हम इसको भी, जैसे मोटापा, ओबेसिटी सबसे बड़ा जो कि शुगर को भी लीड करता है और ब्लड प्रेशर को भी लीड करता है। मेरे लिहाज से, मैंने शायद पहले भी प्रोग्राम में बताया था, अगर एक दफ़ा आप डायबिटिक डायग्नोज हो गए, शुगर के मरीज डायग्नोज हो गए, तो आगे जाके आपको ब्लड प्रेशर होना ही होना है, आगे जाके आपको ब्लड प्रेशर होना ही होना है। तो अपने वेट को कंट्रोल रखें, डाइट को कंट्रोल रखें, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज को ऐड करें और सॉल्ट इनटेक कम करें अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या नहीं होना चाहते। अच्छा, वही डॉक्टर सलमान, आगाज़ में मैंने बात कही कि अक्सर क्या होता है ना कि वही भाई सर में दर्द है, हमारा बीपी लो या हाई, खुद से अंदाज़ा लगा लिया, पीछे गर्दन में दर्द हो रहा है, अब रीज़न आपको नहीं पता कि बैठने की वजह से था, लेटने की वजह से था या व्हाटएवर, कुछ भी, हमने कहा जी हमारा बीपी लो हो गया या हाई हो गया, फिर जो घरेलू टोटके होते हैं कि चलो जी आपने कैल्सी ले ली, आपने कुछ भी ले लिया, लीमू ले लिया, लहसुन ले ली, ठीक है, पता होता नहीं और बिलावजह खुद ही ट्रीटमेंट कर दिया, अब उनको नहीं पता था कि लो था या हाई था, उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो इतनी ज़्यादा कोई ख़तरनाक होती है वो तो आप बता सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं और वो बताते हैं डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम देख के मेरी बहन शक्कर में, वो आ नहीं सकती, तो उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। भाई इस तरह नहीं होता, आप, हम आपको चीज़ें बताते हैं, इसलिए नहीं बताते कि आप खुद से इलाज करना शुरू अप्लाई करना शुरू करते हैं, अप्लाई करना शुरू करते हैं, इसलिए आपको, हमारा काम है अवेयरनेस देना, बीमारी के बारे में बताना, ट्रीटमेंट ना हम टेलीविजन में बैठ के बता सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, क्या डोज है आपका, क्या सारी चीज़ें, और ये ना हमारे कुछ बताने से उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं होता, आपको मेडिकल सेंटर आना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट में। क्योंकि हमें लेवल का भी नहीं पता होता ना, बहुत सारी कितना ज़्यादा हाई होता है, कितना ज़्यादा लो होता है, तो वो लोग क्या करते हैं आजकल, जैसे मेरा बलूचिस्तान से पेशेंट आते हैं दूर से, वो जहरी बात इतने पढ़े लिखे नहीं होते, मगर ये कि जो जो गांव की आबादी से, वैसे तो बलोची बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा, तो जो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर साहब हमने खुद ही इलाज करना शुरू कर दिया आपका शो देख के, ऐसा नहीं होता, आपको आना चाहिए, आपको यहाँ मिलना चाहिए मुझसे आके, अगर आप मुझसे इलाज कराना चाहते हैं प्रॉपर चेकअप के थ्रू इलाज होगा, इस तरह नहीं हो सकता कि आप सुनने के बाद डॉक्टर के अपनी चीज़ों को तब्दील कर दें, नहीं, आप लाइफ स्टाइल डाइट ये चेंज कर सकते हैं, मगर मेडिकली अगर आप अपने आप को ट्रीटमेंट में चेंजेस ला रहे हैं दैट इज़ रॉन्ग, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप सेंटर आएँ,
उससे मुलाकात करें या जो भी तरीकेकार है आपने डॉक्टर, बल्कि हम तो ये भी नहीं कहते कि भाई आप डायरेक्टली जाके आप सिर्फ डॉक्टर सलमान को ही दिखाएं, किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। हमारा मकसद सिर्फ है अवेयरनेस देना। अगर आप कराची में हैं, आपके क्लिनिक तक लोग पहुंच सकते हैं, बल्कि सॉरी फिर वो मेडिकल सेंटर आपके मेडिकल सेंटर तक लोग पहुंच सकते हैं, तो आई थिंक कि ये बहुत बेहतर है। लेकिन किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे तो हम कह रहे हैं कि किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाएं, दैट्स इट। हम ये नहीं कह रहे कि भाई यहाँ पर हम बिला वजह आपको कहें कि नहीं ये करें वो करें ऐसा करें, हमने ट्रीटमेंट की बात ही नहीं की कभी। बिल्कुल नहीं, मगर ये कि पेशेंट्स को अपने तौर पर खुद ट्रीटमेंट चेंज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से रुझू करना चाहिए जो भी आपका प्रॉपर डॉक्टर हो, और उससे बैठ के डिस्कस करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ डाइट को भी उससे बैठ के डिस्कस करके चेंज करना चाहिए। ये है मेरी रिक्वेस्ट है आपके व्यूअर से, डायरेक्ट चेंजेस ना करें, क्योंकि मैं मेरे पास क्योंकि मैं आजकल मेरी थोड़ा सा मॉर्निंग शोज पे मेरी एंट्रेंस हुई है, तो क्या होता है कि वो लोग फिर वो करना शुरू करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। अपने आप से ट्रीटमेंट ना करें। जो लाइफ स्टाइल एक्सरसाइजेज हम बता रहे हैं वो तो आप ऐड कर सकते हैं, मगर फॉर ट्रीटमेंट यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर। ओके, या आजकल क्या है ना कि बिला वजह योगा की क्लासेस और वो भी काफ़ी डेंजरस होती है, तो ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए इंसान को, कोई भी एक्सट्रीम पे जाके काम देखें, ना करें। जैसे पहले कह गए लोग कि जी एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसी तरह मेरा जो स्लोगन है मैं लोगों को जो कहता हूँ एन एक्सरसाइज अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक्सरसाइज को लाजमी ऐड करें। सही कहा, यंगस्टर अपने लिहाज से करें, अब 50 वाले अपने लिहाज से करें, ब्लड प्रेशर के मरीज जो 50 ऊपर वाले हैं कोई जरूरत नहीं है, एग्रेसिव एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई दौड़ना शुरू कर दिया। नॉर्मल स्लोली वही जो मैंने डायबिटीज में कहा था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 150 मिनट को 5 दिन में डिवाइड करें, 30 से 35 मिनट बनते हैं ब्रिस्क वॉक, थोड़ा तेज टहल चहलकदमी करें, 35 मिनट वो आपको बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं बीपी के टाइप्स पे। टाइप्स कितने हैं? देखें दो टाइप्स हैं इसके, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जिसको हम बिल्कुल एक हम कहते हैं एसेंशियल। उसमें पहली वाली टाइप और दूसरी वाली टाइप में, एक में तो ये हमें कॉज का पता ही नहीं है, और दूसरी वाली में हमें जो कॉजेज हैं जो हम सस्पेक्ट करते हैं वो यही मोटापा मैंने पहले डिस्कस किया, या आपका स्मोकिंग, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द कॉज, स्मोकिंग टोबैको इनटेक, ये चाहे वो आप च्यू करके लें, चाहे वो निकोटीन फॉर्म में लें, किसी भी तरीके से लें, दैट इज़ डेंजरस, दैट विल लीड टू यू दैट विल लीड फॉर टू यू फॉर हाइपरटेंशन। राइट डॉक्टर सलमान, मजीद बातचीत को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम जी, अदा केयर वेलकम सिंध टीवी मां फेरो जरूरी तो गला यार शहीद बेरा दीदा बात कर दी। ओके, अदा को सवाल आ है जहन में? हेलो, अदा को सवाल करन चाहि दो? हां, असन सवाल ये हुआ, मुजी अम्मी आ है, वो सीवी जो पेशेंट आ, काफी ट्रीटमेंट करायो हुआ। छाजी पेशेंट आ है? हेलो जी जी, अदा सवाल रिपीट कजो। लाइन ड्रॉप थी वही, खैर काई गल है, अवां बीहर कॉल करे सगो था, उम्मीद कयूं था त तहां जी कॉल अच्छी वेंदी। सो वधीक असां अगते जेका सनी गाल हले पई असां उन हवाले सां, सो अवां के स्क्रीन ते नंबर नज़र अचनि पिया, असांजे प्रोग्राम जो नंबर भी नज़र अचे पियो, डॉक्टर सलमान जो नंबर भी नज़र अचे पियो, सो अवां ॿई नंबर नोट करे छॾियो, जेकॾहिं प्रोग्राम में अवांजी कॉल मिली थी वञे तमामु सुठी ॻाल्हि, पर जेकॾहिं कंहिं रीज़न जे करे नथी मिले, अवां डायरेक्टली डॉक्टर सलमान सां राबितो करे सघो था, ऐं उनखां पोइ जेका बि अवांजे लाइ सुठी एडवाइस हूंदी हू ज़रूरु अवांखे ॾींदा, ऐं जेको बि अवांजे लाइ हल हूंदो अवांजे बीमारी जे हवाले सां या जेकॾहिं मुलाक़ात जे लाइ चवंदा, पोइ जेका बि ॻाल्हि हूंदी अवां सां हू पाण कंदा त अञा वधीक बहितर ॻाल्हि आहे। खैर डॉक्टर सलमान, माज़रत के साथ आपकी बात काटी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो लोग हैं स्पेशली टाइम निकालते हैं, तो उनकी बात सुनना भी हमारी बड़ी बहुत मेरे मेडिकल सेंटर पे कॉल्स आती हैं कि डॉक्टर साहब से बात करा दें, ये मेरे लिए बहुत नामुमकिन सी बात है कि मैं इतनी कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, तो लोगों को चाहिए कभी भी टाइम निकाले कराची आएँ तो चेकअप कराएं, मिलें, और जो ज़रूरी नहीं पैसे दें मुझे, बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट आएँ, कहने जी डॉक्टर साहब से हमें डिस्कस करना है, मैं बिल्कुल बुलाऊंगा अंदर उनसे डिस्कस करूंगा, देयर इज नो नीड टू गिव मनी, आप आपको डिस्कशन करना है कुछ करना है तो मोस्ट वेलकम, आप कोई मसला नहीं, यानी कि आपसे कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कोई परेशान ना हो। ओके, सो नई कोर्ट से हमारे साथ देखते हैं कि कौन है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदा खुश आयो? खुश आयो ठीक है जी जी, अल्लाह जो शुक्र है। अदा नालो बुधाए जो पांजो? नालो राज छे, नालो है मोकड को बोला है। माशाल्लाह, अदा को सवाल करन चाहि दो? सवाल डॉक्टर साहब ने पूछना है, वेट तमाम घणो है, वधी है तकरीबन 110-12 तई वजन थी है संगे। 112 केजी तहां ने वजन आए, एज केतरी आए? एज तकरीबन 32 साल। 32 जी, 105 किलो वजन, 112 किलो, 32 इनकी एज है?
और 112 किलो इनका वजन, ठीक है, तो कम करना चाहते हैं, आप मजीद कुछ जानना चाहेंगे इनसे? सिर्फ वेट कम करना चाह रहे हैं, किससे कम होगा क्या? ठीक है जनाब, हम आपको आंसर करते हैं। ओके अदाम, अगर जवाब नहीं उठा तो आप प्रोग्राम लिसनर रहो, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। नेक्स्ट कॉल और ले लें। एक अभी आई थिंक नहीं है लाइन पर कोई मौजूद, तो कंटिन्यू कीजिए। जो इन्होंने वेट लॉस का, बहुत सिंपल है, वेट लॉस करना चाहिए, ही इज अ यंग मैन, और उसके लिए कि प्रोटीन डाइट ऐड करें, प्रोटीन डाइट। चला आज आपको मैं बहुत सारी वेट लॉस पे बातें थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ। प्रोटीन डाइट ऐड करनी चाहिए, प्रोटीन का मतलब अंडे की सफेदी में प्रोटीन है, उससे वेट लूज होगा अगर बंदा रेगुलर। अभी मैं सुना रहा हूँ, अंडे की सफेदी, चिकन, मटन, ठीक है, ये आप ऐड करें अपनी डाइट में, और रोटी और चावल छोड़ दें, और ब्राउन ब्रेड को ऐड करें। अगर आपने सालन खाना भी है तो ब्राउन ब्रेड से खाएं, इट विल टेक अनदर 2-3 मंथ्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ऐड करें, ऑलिव ऑयल के स्प्रे से खाना बनवाएं, जैसे पानी का नहीं होता वो, जिसमें हम बाल के पास जाते हैं, हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, उससे स्प्रे करता है हमारे पास, उसमें आप बॉटल में ऑलिव ऑयल का भरें और उसको स्प्रे करके अपना नॉन स्टिकिंग पैन में खाना बनाएं, और प्रोटीन डाइट को ऐड करें, प्रोटीन फैट को काटता है। ओके, प्लस ऐड एक्सरसाइज, यानी ही इज़ अ यंग मैन 32, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह ना करो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इनको मसल बिल्डिंग, मसल को बिल्डअप करें जाके जिम में, और ट्रेडमिल करें। ट्रेडमिल के तरीकेकार हैं, इंटरवल्स ट्रेडमिल्स होती हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा पहले आपने भागना है, फिर उसको स्लो करना है, फिर भागना है, गैप देके 10-15 मिनट पहले किया, फिर एक्सरसाइज की, फिर वापस किया, तो होता है क्या है कि जब आप पूरी एक्सरसाइज कर चुके होते हैं तो आपका फैट बर्न हो रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, उसके बाद जब आप ट्रेडमिल को हिट करेंगे ना, तो वो डायरेक्ट फैट पर मजीद हिट करेगी, उससे क्या होगा, मजीद फैट कटेगा। तरीकेकार है, 2-3 महीने का वाटर इंटेक बढ़ा दें अपना, और एक मल्टी वाइटामिन ऐड करें सुबह नाश्ते के बाद, 1-2 महीना इंशाल्लाह वेट लूज हो जाएगा मसलन। वाओ, बहुत इजी तरीका आपने बता दिया, ग्रेट, मगर उसके लिए थोड़ा सा एग्रेसिव एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ओके, सो लाइन ड्रॉप हो गई, सऊदी अरब से कॉल पे हमारे साथ मौजूद थे कौन, आई डोंट नो, लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई। हम टाइप्स पे थे, टाइप्स की बात हो रही थी, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेस टाइप्स थी, जो दूसरी टाइप 2 है उसमें कॉजेज होती हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, जैसे हमारा किडनीज में कोई प्रॉब्लम हो जाए, एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उसकी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये बहुत ज़रूरी है बताना, अक्सर और पेशतर हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका वेट भी बड़ा हुआ होता है, उम्र ज़्यादा होती है 40 से 90। अच्छा। जी, और उनकी शिकायत ये होती है कि डॉक्टर साहब बैठे बैठे सो जाता हूँ, बाथरूम में जाते हैं तो हमारे शौहर तो गिर जाते हैं, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, कोई जादू नहीं है, ठीक है जी, और इसमें पेशेंट को बैठे बैठे नींद आती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो क्या है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सपेल आउट करते हैं, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी वजूहत की वजह से बॉडी में, ब्लड में रिटेन होना शुरू हो जाए, तो वो एपनिया क्रिएट करती है, स्लीप एपनिया कहलाती है, और उसमें पेशेंट को बैठे बैठे नींद आएगी, बाथरूम में जाएगा, उठेगा बैठेगा तो उसको नींद आएगी, गिर भी सकता है, अगर सिवियर हो, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, ये जो खांसी के हम लोग कफ के जो खांसी के शरबत यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्लस टोबैको स्मोकिंग, इसकी वजह से हो सकता है, और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोकेन वगैरह जो लोग एडिक्टिव हैं उनके लिए हैं कि वो ज़रा ख्याल से सारी चीज़ें करें, क्योंकि ये लीड करती हैं, ये सेकेंड टाइप की कॉज है, सेकंड टाइप की वजूहत हैं जिनकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर। तो मज़ीद हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बता केयर पे गल है? हां जी, राज सर, कौन का लाकर कंसल्टिंग से बोल है? माशाल्लाह, अदर टीवी जो आवाज बंद करे सब होता प्रॉब्लम ता दे, अदर कंदो तो मेहरबानी ता। हां जी जी, अजय जी, दिक्कत मुके डॉक्टर साहब को आयो सवाल करना है, तो एक ब्लड प्रेशर भी आए है, मुझे वजन भी बदल है। अच्छा, बीपी भी आए है, वजन भी बदल है, केत्रो वजन आए ता जो मुझे इलाज करो आए तकरीबन 100 का मथे आए। उम्र केतरी है ताजी? उम्र मुझे अभी 25 साल आए। 25 साल है, 100 का मथे ता जो वजन आए हकम। डॉक्टर सलमान 25 इयर्स के हैं, 100 से ज्यादा। एक गाना थी जो कल आए, वो घर वाले के शुगर भी आए आए, उन्हें जो मतलब हल जब डॉक्टर साहब बताए तो फाइनल मेहरबानी। वो तो बिल्कुल ताजी बुधना जी, कराची अच्छी सब होता जी, बिल्कुल कराची अच्छा वनर थी हुआ है, कराची अचण वन थी है दा? ना अचे न थे वाले के नया डॉक्टर साहब चेंज दिंदा से। हां, तो पो यो वदी के बेहतर है, बहरहाल ता के अस बुधायो था, एज जरा कंफर्म कर 25 ठीक 25
वरी महरबानी अदा तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदा रहो तव्हांखे हाणे ई जवाबु ॾियूं था ठीकु आहे लॻत हो रहा मुंहिंजा बट माज़रत के साथ ब्रेक का टाइम आ चुका है तो मैं चाहूँ कि ब्रेक के बाद हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे सो व्यूवर्स बदनासी हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक ॾांहुं रहिजो असां सां गॾु ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध जी व्यूवर्स हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक हुयो ऐं ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं सो डॉक्टर सलमान बातें तो होती रहेंगी लेकिन मुझे लगता है कि बेचारा बच्चा कब से खामोश बैठा हुआ है क्या कहते हैं खामोशी तोड़ी जाए खामोशी तोड़ना चाहिए और मौसीकियों का ऐड भी करना चाहिए हाँ आपने ये जिंदगी में सब कुछ होना चाहिए सारे फ्लेवर्स होने चाहिए जैसे हम खाने में कोशिश करते हैं कि चाइनीज बना रहे तो गाजर भी डालें सब कुछ डालें मिक्स कर दें तो वही चीज़ है कि जिंदगी में बातों के साथ साथ म्यूजिक ना हो तो बात नहीं बनती तो जरा माइक उठा लो बच्चे हाँ अभी क्या गाओगे पोएम गाओगे कि गाना गाओगे पक्की बात है ना कन्फर्म है चलो जी सुनाओ आज देखते हैं कि पोएम अच्छी पढ़ते हो कि गाना अच्छा तेरा
आपका हर जुल्म हमें याद हो ना हो लेकिन आपका ये गाना हमें हमेशा याद रह जाएगा, क्या कहते हैं डॉक्टर सलमान? बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज है इनकी और ये आगे जाके बड़ा सुपरस्टार बनने वाले हैं। अगर कंटिन्यू रखें और मेहनत करें तो ही कैन गो फर्दर इन हिज लाइफ इन दिस। ओके आसिफ साहब बता दूं कौन है ये? ये आसिफ साहब के फर्जंद हैं माशाल्लाह, हमारे तबला नवाज हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं और आई थिंक सैफ भी तबला बजाता है ना? और मैंने अभी बोला था कि सैफ मुझे तबला बजाना सिखाएगा, है ना सैफ? फिर कभी हम एक साथ बजाएंगे और तबला स्पेशल शो करेंगे, क्या कहते हो सैफ? इजाजत है ना? जी। वैसे बहुत अच्छा गाया है, बहुत सुर में गाया, यकीन करो ये बहुत मुश्किल गाना है लेकिन जिस तरीके से आपने गाया है ना याद रह जाएगा। सो कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पंहिंजो नालो ॿुधायो। सजाद हुसैन बात कर रहा हूं, मीरपुर माथोरा से। ओके सजाद साहब, क्या कहना चाहेंगे, कोई सवाल पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आपकी तबीयत कैसी है, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे सवाल करना है, मेरा वेट थोड़ा एक्स्ट्रा है इसलिए मैं आपको सवाल करना चाह रहा था। आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, आप ये जानना चाहते हैं? जी। आपका वजन ज्यादा है और आप कम करना चाहते हैं? जी जी। ओके आपकी उम्र कितनी है? जी आपकी उम्र, एज कितनी है? एज 17 साल है, वेट 90 है। क्या कितनी है आपकी एज? 18 साल, 19 ईयर्स। जी जी। और आप सिर्फ वेट कम करना चाहते हैं? जी आप सिर्फ वेट कम करना चाह रहे हैं? समझ नहीं आ रही आप क्या बात कर रहे हो। आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है आपकी? 17 साल है। सॉरी, जहाँ तक मुझे बात समझ में आई कि इनकी उम्र 18 साल है और अपना वजन कम करना चाहते हैं और 90 kg इनका वजन, तो मैंने पहले भी उसका तरीकेकार बताया है, बता दिया आई थिंक। और इसको ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, पहले भी कॉलर यही पूछ रहे थे, एक दफा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं डॉक्टर सलमान चाहूंगी कि रिपीट हम करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद, क्योंकि एक मुख्तसर बिल्कुल शॉर्ट सा ब्रेक है। सो व्यूअर्स अगर नरे ब्रेक दा वदना सी दिसन आ रहे जो सलाम से जी व्यूवर्स, नंढड़ो ब्रेक हुयो, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं, कुझु नवनि महिमाननि सां बि जॉइन कयो आहे, उन्हनि सां बि अॼु कचहरी कराईंदासीं। अव्हां खे ख़बर आहे त असांजी रिवायत आहे त हिन प्रोग्राम में असां वटि डिफरेंट महिमान हूंदा आहिनि, सभिनी खे तहे दिलि सां असां वेलकम चवंदा आहियूं। सो असां सां गॾु हाणे जेको अॼु जेका शख़्सियत आहे, अव्हां खे ॿुधाईंदी आहियां त सरहद जो हिकिड़ो ख़ासि इंस्ट्रूमेंट आहे ऐं जंहिंखे असां रबाब सॼूं था ऐं तमामु घणो फेमस आहे पाकिस्तान में। जॾहिं असां पश्तो म्यूज़िक जी ॻाल्हि कयूं था त उन म्यूज़िक जी मां सम्झां थी त सभ खां वधीक जेका अहमियत आहे उहा रबाब जी आहे ऐं रबाब खां बिना ख़बर नाहे छो, जेकॾहिं को सॉन्ग तयारु बि थींदो आहे त अलाए छो अणपूरो मालूम थींदो आहे, उन में मज़ो न ईंदो आहे। जे असां वटि जेकॾहिं फोक म्यूज़िक जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त उन में दुहिल ऐं शरनाई जो फ्लेवर असां चाहींदा आहियूं त हुजे ऐं जेकॾहिं क्लासिकल आहे त तबले खां बिना अणपूरो आहे। जेकॾहिं असां उदास म्यूज़िक जी ॻाल्हि था कयूं जंहिंमें ग़म हुजे, तकलीफ़ हुजे, जेकॾहिं उन में बांसुरी ऐं वायलिन या अहिड़े क़िस्म जा इंस्ट्रूमेंट्स न हुजनि त मज़ो न ईंदो आहे। सो हर हिकु इंस्ट्रूमेंट जी पंहिंजी हिकिड़ी ख़ासियत आहे ऐं जेकॾहिं उनखे तव्हां सोलो ॿुधो बिना कंहिं आवाज़ जे ऐं सिंगर जे आवाज़ खां बिना त अञा वधीक उहे शयूं मज़ो ॾींदियूं आहिनि। ऐं मूंखे त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जॾहिं मां को बि इंस्ट्रूमेंट अकेलो ई ॿुधंदी आहियां, लाइक तबलो आहे त सिर्फ़ु तबलो हुजे, रबाब आहे त सिर्फ़ु रबाब हुजे, बांसुरी आहे त सिर्फ़ु बांसुरी हुजे। सो हर हिकु इंस्ट्रूमेंट जो पंहिंजो अलॻि अलॻि मज़ो आहे, अलॻि अलॻि मां सम्झां थी त तासुर आहे ऐं डिफरेंट साउंड्स आहिनि। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे लाइक शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक है। सर बहुत शुक्रिया कि कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पर आए और खासकर ये रबाब हमारी सकाफत का बहुत बड़ा हिस्सा, तो आज सुन के उम्मीद करते हैं कि बड़ा मज़ा आएगा हमारे व्यूवर्स को, तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सलमान, इससे पहले कभी रबाब सुना है, मतलब सोलो? सर जिंदगी हो गई सुनते हुए। पक्की बात है, कब से सुन रहे हैं? मैं काफ़ी मतलब व्हेन आई वाज 20 मतलब बचपन से सुन रहा हूँ और फिर जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, मगर अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। रबाब बजाने वाले हर कोई है नहीं अवेलेबल, हाँ, और अच्छा बजाते लोग एडवांस हो गए, गिटार्स पे आ गए, बहुत सारे आ गए, ये पुराने लोग जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स में हैं और इसकी अपनी वैल्यू है। और ज़्यादातर स्वाद पेशावर में
और इन जगहों पे इसको बहुत ज़्यादा सुना जाता है और गिलगित साइड पे। सही, बल्कि मैं अक्सर ड्रामों और फिल्मों में देखती हूँ जब कोई खान साहब जैसे जिस तरह इस वक्त टोपी पहनी हुई एक प्रॉपर एक लुक में है, एक मतलब फॉर्म में है, तो वो पहाड़ी सिलसिले वहाँ झरने बह रहे होते हैं और किसी पहाड़ी पर बैठ के जब वो रबाब बजाया जाता है और सामने से कोई परिंद चरिंद और डिफरेंट चीज़ें गुजर रही होती हैं, तो एक अलग ही उसका एक सहर होता है जिसको मैं यहाँ पर कम अज़ कम इतने कम वक्त में बयान नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए, तो मैं चाहूँगी कि आज सरहद की यादें ज़रा यहाँ पर ताज़ा हो जाएं। आपको काफ़ी टाइम हुआ होगा सुने, तो मैं चाहूँगी कि आज फिर से आप सुने रबाब, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लाइक शाह साहब, आप कोई धुन खूबसूरत आज हमारे व्यूअर्स के लिए बजाना चाहें, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे साथ देखते हैं कि कौन है लाइन पर मौजूद, उनसे बात करते हैं, फिर हम आपसे आपको प्रॉपर टाइम देंगे, आप दिल से बजाइएगा, जितना टाइम लेना चाहें आप ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद शाहिद बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, शाहिद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा जी, सवाल मैं चाहूंगी कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो डायरेक्टली अपने सवाल पे आ जाइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि शुगर के लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए या कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। अच्छा मेरे भाई, हम ऐसा करते हैं कि शुगर के हवाले से क्योंकि आपने सवाल किया है और आपकी बात हमारे सर आंखों पर, तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम काफ़ी शोज़ इस हवाले से कर चुके हैं। आप YouTube पे चले जाइए या सलाम सिंह के ऑफिशियल फैन पेज पे चले जाइए, शुगर के हवाले से आपको पूरा मुकम्मल शो मिल जाएगा, ठीक है? आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, साइंस, टाइप्स, ट्रीटमेंट, हर चीज़, लेकिन फिर भी हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद, ठीक है? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने इतने दिल से कॉल की, थैंक्स अ लॉट। सो हम जवाब शुगर पे बात करना चाहेंगे, लेकिन पहले जरा रबाब सुन लें, क्या कहते हैं आप? जी सर।
ठीक है ना, यकीन करें मज़ा आ गया, वो झरने, वो पहाड़ियाँ, उन पे हरी हरी घास, वो सारी चीज़ें, यकीन करें इमेजिनेशन की जो दुनिया थी ना वो बड़ी खूबसूरत बन रही थी जब तक जब जब आप बजा रहे थे, तो माशाल्लाह बहुत खूब. जी सलमान साहब, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? बिल्कुल, शबाब के बारे में कहने, मतलब इन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नो डाउट, बहुत अच्छा बजाया. और वही मैंने आर्ट्स किया था, जैसे ये चीज़ें सुनने को बहुत कम मिलती हैं और बड़ा रिलैक्स करती हैं, और इस टाइप के लोग अब बहुत कम रह गए हैं हमारे इंटीरियर साइड पे भी, वो पेशावर स्वाद साइड पे. तो नो डाउट ये सकाफत रहना चाहिए, लोगों को और आगे आना चाहिए इन चीज़ों में. सही, और हम कोशिश करते हैं कि चाहे पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, या केपीके हो, सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारी वहाँ की रस्में, वहाँ का कल्चर, क्योंकि सारे समझते हैं कि हमारा हिस्सा है और हमें उनको आगे लेकर जाना चाहिए. हम लेकर भी आते हैं, कोशिश करते हैं कि जहाँ की सकाफत हमें मिल जाए हम उसको ऑनियर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है. क्योंकि ये चैनल जस्ट सिंध में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी लोग देखते हैं, कनाडा, बरतानिया, डिफरेंट कंट्रीज़ में. तो लोग जब इस तरह की कोई चीज़ सुनते हैं, यकीन करें वो कहते हैं कि मतलब हमारी यादें ताज़ा हो गई. अगर वो सरहद से होते हैं या बलोचिस्तान से होते हैं, यादें हो गई ना ताज़ा, मगर वो डिस्कस नहीं की जा सकती आपके शो. ओके, अच्छा इससे पहले जो हमारे साथ लाइन पर भाई मौजूद थे शुगर के हवाले से बात की, तो आप उनको जवाब देना चाहेंगे या? देखिए मुझे उनका सवाल एक तो मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें तो मैं जवाब देता हूँ शुगर के बारे में. शुगर के हवाले से वो जानना चाहते थे कि उनको काफ़ी अर्से से शुगर है, तो उसके ट्रीटमेंट के हवाले से. और देखिए मुझे रीडिंग्स नहीं पता उनकी क्या हैं क्या नहीं है. अगर वो मेडिकल सेंटर मौजूद मतलब आ जाएँ और वहाँ पर आ जाएँ तो मैं कुछ टेस्ट वगैरह करवा लूँगा. शुगर कंट्रोल करना इट्स नॉट अ बिग डील. बाकी अल्लाह ताला शिफा देने, अल्लाह ताला की ज़ात है. सही कहा. बाकी ये हार्डली 10 दिन 15 दिन या 20 दिन मैक्स का ट्रीटमेंट है, सेट हो जाएगा पेशेंट. अगर लाइफस्टाइल अपना सही रखे, डाइट सही रखे और ट्रीटमेंट सही ले, सही, तो ठीक हो जाएगा. और इसीलिए मैंने उनको लिंक दिया कि भाई हमने इससे पहले जो डिटेल में एक शो किया था, बल्कि तरतीब से आपको यूट्यूब पर जाके मिल जाएंगे. नहीं, आप मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर सलमान जमान खान के नाम, वहाँ पर भी आप अपलोड कर दिए. अपलोड हमारे हो जाते हैं उस पर, बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़े हुए, उसको जाए उसमें ढूंढ. ठीक, डॉक्टर सलमान जमान खान आप पेज सर्च करेंगे फेसबुक पर, वहाँ पर फोटो भी लगी हुई है, ठीक है, पिक्चर लगी होगी, बल्कि सलाम सिंह के सेट की पिक्चर से आप पहचान जाएंगे कि ये वही डॉक्टर सलमान है. और आपको शोज भी वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपके लिए मजीद आसानी होगी. अगर आप सुकून से बैठ के आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वो क्या बीमारी है. ठीक है, सो कराची से हमारे साथ लाइन पर देखते हैं कि कौन है मौजूद. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. टीवी बंद कर दीजिए. जी, टीवी बंद हो गई जी. चले, अभी भी आपकी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए. चले जल्दी से सवाल बताएं मुझे. वॉल्यूम बंद है मेरा, वॉल्यूम बंद है टीवी का. ओके, हाँ चले. ओके, सवाल बताएं. सवाल बता दें. चले, सवाल बता दें भाई मेरे. सवाल बता, मेरा सवाल, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से कि मेरे जो लेफ्ट साइड है कमर की. एक्सट्रीमली सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी इस वजह से क्योंकि हम देखें हाथ जोड़ के, मैं तो कभी कभार रिक्वेस्ट करती हूँ कि बराए मेहरबानी टीवी को आप बंद रखेंगे, आपसे बातचीत हो पाएगी, इसमें आपका भला है. यकीन करें लाइन ड्रॉप हो जाती है, हमारा कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आप लोगों का जो नुकसान होता है ना वो मेरे ख्याल से कि इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जितने हम डिस्टर्ब होते हैं. हम इसमें ऐड करते हैं, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे, हम इसमें ऐड करते हैं. मैंने आपसे कहा है लोगों को चाहिए बजाय कॉल पे बात करने के, जो लोग यहाँ कॉल जिनकी मिल जाती है मोस्ट वेलकम, उनके लिए शो है. मैं जिनको नहीं मिलती वो अगर आना चाहें मुझसे सेंटर में आके डिस्कशन करना चाहें, मैं अवेलेबल. मैंने अपना टाइम भी इंक्रीज़ किया है लोगों को कहने पे, और उसके कोई चार्जेस मैं नहीं लूँगा. वो कहें जी हमें सिर्फ डॉक्टर साहब से डिस्कस करना है, आए बैठें डिस्कशन करें, देयर इज़ नो नीड टू गिव मनी. तो ज़रूरी नहीं है कि आप भागें और कॉल करें कि नहीं यार डॉक्टर आया से पूछ लें. आप आएँ मगर आपको आना पड़ेगा, आकर मुझसे डिस्कस करना पड़ेगा. डिस्कस करें, देयर इज़ नो चार्ज. टाइमिंग में चाहूँगी रिपीट कर दें. देखिए सुबह मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 12 से लेके सुबह 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, दोपहर 4 बजे तक. उसके बाद मैंने बढ़ा दिए टाइम 6 से 9, शाम 6 बजे से लेके 9, 2 घंटे जो मैंने ब्रेक रखा है वो मेरे एक्सरसाइज का टाइम होता है. ठीक, अच्छा मेडिकल सेंटर के हवाले से कहाँ पर है कुछ? देखें ये बहुत सिंपल है, गुलशन चौरंगी, गुलशन इकबाल में. जैसे आप गुलशन सुराब बोर्ड पर ज़्यादा लोग उतरते हैं तो वहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पर है गुलशन चौरंगी. वहाँ पर पहुँच के ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा. वहाँ पर अल निसा शादी हॉल है, उसके साथ अंदर एक स्ट्रीट आ रही है उसमें आ जाए, अलवा से मेडिकल सेंटर. आपने बहुत ईजी तरीके से बता दिया. लेट्स सी कौन है हमारे साथ लाइन पर. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। टंडोला यार। ओके माशाल्लाह, सवाल क्या है आपका? मुझे सवाल आया तो मुझे शुगर आया छह सालन का शुगर आए तांगे। जी जी हाँ, छह सालन का है। इंसुलिन पे हणा पियो ऐं गोरियूं बि खायां पियो। मुंहिंजी फास्टिंग शुगर डॉक्टर साहब खां पुछो त 200-250 सुबुह अचे थी। अच्छा, फास्टिंग शुगर के बारे में कुछ बोल रहे थे दादा, मैं सुना। इंसुलिन लगाने के बावजूद आई थिंक 250 पर है फास्टिंग का। क्या? हाँ तो कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है। और ये कराची में ही है? अच्छा, कराची में है तो मैंने अभी भी पहले जैसे बताया, कम टू माय मेडिकल सेंटर, वहाँ आ जाएं। कंट्रोल नहीं हो जाएगी कंट्रोल, और किस तरह आप इंसुलिन ले रहे हैं सारी चीज़ देखना पड़ती है, कौन सी इंसुलिन ले रहे हैं और मेडिसिन भी ले रहे हैं साथ में। और सिर्फ फास्टिंग नहीं, हमें नाश्ते के 2 घंटे बाद रैंडम शुगर भी चाहिए होगी, वो उसका पूरा तरीकेकार है। वो नाश्ते के अपनी इंसुलिन जो ले रहे हैं नाश्ते से पहले वो लें, फिर नाश्ता करें, नाश्ते के बाद अगर दवाइयाँ ले रहे हैं वो भी ले लें, उसके दो नाश्ते के 2 घंटे बाद हमें शुगर चाहिए। अपनी दवाइयाँ लेके, इंसुलिन लेके, नाश्ते के 2 घंटे बाद की शुगर चाहिए हमें, वो लेकर आ जाएंगे, मसले कंट्रोल कर देंगे। उसे बहुत सारे इवन देखिए 6 ईयर्स हो चुके हैं, तो अगर आप मेरे ख्याल से अब अगर वो आपके पास पहुँच जाते हैं, तो अगर आपने कहा था लास्ट टाइम के 3 दिन के अंदर अंदर, या बल्कि 1 वीक के अंदर अंदर, अगर प्रॉपर लोग अपना जो आप डाइट प्लानिंग और सारी चीज़ें बताते हैं अगर फॉलो करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, मैं सिर्फ सिक्स ईयर्स की बात नहीं, मेरे पास 10-10 साल 15-15 साल से लोगों को शुगर है, अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड है। तो उसका तरीक़ेकार यह है कि जो पुराने मरीज होते हैं तो डिफरेंट दवाइयाँ ले चुके होते हैं, हकीम के पास भी जा चुके होते हैं, डॉक्टर के पास भी जा चुके होते हैं, बेड़ा बेड़ा कर चुके होते हैं, तो उनका जो लबलबा होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है बार बार दवाइयों से, उनके सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो उनको रिकवर करके लाना वापस उन चीज़ों पे आसान नहीं होता, मगर मेरी कोशिश होती है कि शॉर्ट टर्म, मतलब जल्दी जल्दी पेशेंट को बुलाया जाए, 2-3-4 विजिट के अंदर ही उनके शुगर कंट्रोल के, आइदर थ्रू इंसुलिन या मेडिकेशन। वैसे ट्रीटमेंट जो हम करते हैं ज़्यादातर मेडिकेशन से, दवाइयों से, टैबलेट फॉर्म में ही करते हैं, मगर अगर वो बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल है पेशेंट, जिसने अपना बिल्कुल बेड़ा गर्क किया हुआ इधर जाके उधर जाके लोगों के बाद 10 साल से, तो उसको हम शॉर्ट टर्म के लिए इंसुलिन पे लाते हैं, फिर हम वापस दवाइयों पे ले आते हैं। ग्रेट, पेशावर से हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जी सर, नाम बताइए अपना। मैं औरंगजेब दुरानी पेशावर से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह जी सर, क्या जानना चाहते हैं आप? बेटा बस मैं एक तो जो पूछना था वो किसी ने पूछा और डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, वो जवाब मुझे भी मिल गया, तो प्रोग्राम अच्छा है। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत सलाम और बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आ जाते हैं तो हमें मालूमात हो जाती है, जो सवाल हम करते हैं मैं एक सवाल करता हूँ वो जवाब डॉक्टर साहब देते हैं, साथ में और भी सुन लेते हैं। तो वो भी अब पेशावर में सिंध टीवी बहुत ज्यादा देखा जाता है। मैं ये जो अभी सारेंग में बजा रहे था, ये पश्तो स्पीकिंग, ये पठान है, इससे पूछे बिल्कुल जी पठान है, नाम से अंदाजा हो जाना चाहिए, नाम से देखिए इतना बड़ा तो माशाल्लाह सलमान साहब का नाम है, मगर वो पठान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है जनाब, हम सब एक हैं, पाकिस्तानी सब एक हैं, और हमें इसको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। ये इस तरह ना कि इन्होंने जो सारंगा बजाया ना, वो जो इन्होंने बजाया वो लाल छपे खबर तक हमें सोर माल अरोड़ा, ताजा ताजा गुल्डन त्रे जलोर माल अरोड़ा, उस म्यूजिक का मतलब वो गाने का जो वो ये था, इससे पूछे ये सही है? क्या था आपने जब भी बजाया? हाँ, वो मुझे पता नहीं क्यों वो सिंधी धुन लगी जो था कि सिंध माल अडे बनी है। हाँ, इन्होंने जो बजाया ना वो ये बजाया कि लार शके खौर तक हमें सोर माल अरोड़ा, ताजा ताजा गुल्लुना तेरे सलोर माल अरोड़ा, जाओ पिशावर और मेरे लिए फूड लेकर आओ, ताजा ताजा फूड लेकर आओ, 3-4 वो इसका प्यारा गाना गाया, खूबसूरत सारे के बजाइए। डॉक्टर साहब हमारा हम इसे अपना होम टीवी समझते हैं, हमारे घर का ये फैमिली टीवी है, बड़े शौक से देखते हैं और हम सिंधी समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बेटी आ जाती है, रात को हम बात करते हैं। मैं आप सिंध टीवी का, आपका बेटी और इन मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। यकीन करें आप लोग देखते हैं तो हम लोग शो करते हैं, आप लोग ना देखें तो हमारे शो का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि आप लोग देख रहे होते हैं और आपके लिए हम लोग डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट शोज करते हैं। और आपने मेहमानों को भी पसंद किया, डॉक्टर सलमान की भी तारीफ की और लाइक शाह साहब को भी पसंद किया, तो इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। तो जो सवाल शायद सर का भी वही था और आपने उनका जवाब दे दिया, तो देखिए हम चाहें तो, मैंने पहले भी जैसे आपसे लास्ट प्रोग्राम में कहा था, ये बड़े
डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल तरीन समझने वाले टॉपिक्स हैं और यही सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हैं हमारे मुल्क में, शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द और यही फालेज, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो आप हमें शुगर पे एक और प्रोग्राम कर सकते हैं क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा है और हमने एक या दो शो किए थे, ज़रूर नहीं नाजरीन नौसक सारों ने व्यू, दैट वाज द इनिशियल प्रोग्राम, तो एक शो हम रख सकते हैं शुगर पे, सिर्फ शुगर्स की कॉल लेंगे, चाहे वो पाकिस्तान से हो, कराची से हो या पाकिस्तान, क्योंकि मेरे पास भी बड़ी वहाँ कॉल्स आती हैं शुगर पर बात करने के लिए और मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं मिल सकता हूँ, तो लोग आए मशवरा करें। और शुगर एक वसी टॉपिक है और शुजा से उन्होंने पहले भी सवाल किया था, मैंने जवाब दे दिया, अनकंट्रोल शुगर से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। तो डॉक्टर सलमान हम यूं करेंगे ना कि उस दिन मैं खामोश रहूंगी और जितने सवाल आएंगे वो इस तरफ से, क्या कहते हैं? ठीक, वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम तो मैं ही खा जाती हूँ। लच्छी के कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, नाम बताइए। जी नुसरत हुसैन पठान, शिकारपुर से सर। माशाल्लाह जी अदा, छह सवाल है हमारे जो जी। सह के ही तकलीफ आ, सह को यानी कि दम जी तकलीफ है, दम आए ताकि दम जी तकलीफ आ, पैर भी सूजी दा वजन, पेट में सूर भी रहे दो। ओ अच्छा, ठीक। अच्छा डॉक्टर सलमान, इनको दमा की बीमारी, पांव इनके सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, पेट में अक्सर इनके दर्द रहता है, तो आप मजीद बातचीत करना चाहें या कुछ जानना चाहें तो लाइन पर मौजूद है। जनाब ये बताइए, आपको प्रॉब्लम क्या है? दमा रहता है, पाँव में सूजन है, दवाइयाँ ले रहे हैं आप, नहीं ले रहे हैं, और क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है आपको, मजीद मसला क्या हो रहा है? ये दम की साके की तकलीफ है और कुछ भी नहीं है, तो पाँव जो है ना वो सूज जा रहे हैं। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? जी डॉक्टर को दिखाया है। अच्छा, वो डॉक्टर छा चे हो? फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा आपको? ठीक है जनाब, आप एक काम करिए, ये इसका जो ट्रीटमेंट है वो जरा मुश्किल होता है और लंबा होता है, तो इसके लिए आपको मेडिकल सेंटर आना पड़ेगा इंशाल्लाह आपकी बीमारी में। ये अब इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में मैं दमा का टॉपिक भी मैंने सोचा है, इस पर बात करेंगे, और आज मैंने बल्कि आज भी सोचा था कि मैं इसे बात करूंगा, मगर फिर मैंने ज्यादा बेहतर समझा कि ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमने शुगर को डिस्कस किया था, हम ब्लड प्रेशर को फौरन डिस्कस कर लें, इंशाल्लाह कभी टाइम मिला दमा पे बात करेंगे, मगर उसके लिए इनको आना पड़ेगा, कोई ऐसा मसला नहीं, ये भी कंट्रोल हो जाएगी अगर कराची आ जाते हैं। हाँ सेंटर, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम अवेयर तो यहाँ से बता सकते हैं दवाइयों के, बीमारियों के अलामते क्या हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, मगर बाकी उसके लिए तो पेशेंट को मेरे पास ही आना पड़ेगा। ओके ठीक है, सौदा जी के तहत कराची अची सगो था, डॉक्टर सलमान से मिली सगो था, ये पो ता के बेहतर गाइड कर सकंदा, चलो कुछ बीमारियों एड़ी हुंदी हैं जिन जो इलाज सा स्क्रीन ते तहां के नथा बता। आपको एक बात और ऐड करूं, मेरा इतवार को मैंने सिर्फ टाइम रखा हुआ है स्पेशली ऑफिस गोइंग लोगों के लिए, वो 3 से लेकर शाम 7 बजे तक का है। ओके, इतवार को मैं 3 बजे दोपहर से लेकर शाम 7 बजे तक अवेलेबल होता हूँ, तो वो से मैंने रखा है नहीं लोगों के लिए जो ऑफिस गोइंग लोग हों, जो नहीं आ सकते पूरे हफ्ते में, तो वो भी इतवार के दिन आ सकते हैं। और हमारा जो टॉपिक था वो बेचारा वहीं का वहीं रह गया। हाँ, तो उसको हम जरा बिल्कुल अब देखिए, कुछ हमें एक तो रीडिंग्स का पता होना चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स क्या है। नॉर्मली तो अमूमन हम 120 सिस्टोलिक ऊपर का और नीचे का डायस्टोलिक हम 80 कहते हैं। उसके अलावा इसके 2 स्टेजेस होती हैं, एक स्टेज 1 होती है, एक स्टेज 2 होती है ब्लड प्रेशर, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में जो है वो हम ऊपर का सिस्टोलिक जो है हम लेते हैं 140 और जो आपका डायस्टोलिक है वो हम लेते हैं 90 तक। ओके, यानी कि ये नॉर्मल और हाई? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो हाई, ये प्री डायबिटिक्स भी हम कह सकते हैं, प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी कह सकते हैं। और स्टेज 2 में 160 सिस्टोलिक ऊपर वाला और नीचे का 100, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर इससे ऊपर जाएगा तो कहेंगे सिवियर उसको ब्लड प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें नोट में रखें पेशेंट। दूसरी बात यह है कि अपने अगर आपको कभी सर की दर्द की अलामत हो या आपको सांस फूले, ये ज़रा सीवियर केसेस में होते हैं, क्योंकि इसके आज तक मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई प्राइमरी कॉज नहीं है, सेकेंडरी कॉजेज बहुत सारी हैं और इसकी अलामतें भी एज सच नहीं बताई गई हैं, रिसर्च अब तक नहीं आई है, सिर्फ एक सर का दर्द है और आप जब ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हैं तो सामने आ जाता है। तो अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करें, मतलब अपना वेट कम रखें, 150 मिनट को 5 दिन में डिवाइड करें, 30 से 35 मिनट बनता है एक दिन का, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, अगर 50 से ऊपर वाले हों तेज चल सकते हैं जो उससे यंग हैं, क्योंकि 18 साल से आप अपने आप को चेक करना शुरू कर दें, 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों में यह अमूमन एकदम से सामने आता है, और उन 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों को हर साल अपना बीपी एक दफ़ा चेक कराना चाहिए,
और जिनको बीपी है उनको डेली चेक करना चाहिए सुबह शाम। ठीक, बल्कि ये ना कि आजकल आलात इतने सस्ते हो गए हैं कि 2000 के अंदर आप इतना खर्चा करते हैं, अगर 2000 की अपैरेटस आती है इलेक्ट्रॉनिक वो ले लें, वो घर पे उसको करके चेक करें। और आजकल तो मुश्किल भी नहीं भाई, आपने ये बेल्ट बांधा आपको फॉरन रीडिंग वहाँ पर मिल जाती है, सब कुछ तो ईजी हो गई चीजें। लेट्स सी के कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केयर मुखातिब। ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी, ब्लड प्रेशर है ना बहुत ज्यादा बढ़ता है ना मेरा जी। अस्सलाम वालेकुम। और 220 पे चला जाता है, एज जो है मेरी 40 है अभी इस टाइम। 200 ऊपर का जाता है सिस्टोलिक, और नीचे आने का 100-101 पे रहता है। ठीक है, तो आप दवाइयां ले रहे हैं उसके लिए, कोई दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जब बढ़ता है उस समय चेक करवाते हैं डॉक्टर साहब को, अभी कोर एनीटेक वगैरह टेबलेट 2-3 दफा यूज करवाइए जी, कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं करते उसके लिए एहतियाती तदाबीर बता दे जो कि। अच्छा, आपका वेट कितना है? वजन कितना है आपका? हेलो, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया जी। आपका वजन कितना है? हेलो, चलिए जी बहुत शुक्रिया, हम कोशिश करते हैं कि आपको जवाब दें। ठीक है, तो क्योंकि लाइन में कभी कभार थोड़ी देखें, एक बात मैं सबसे इम्पोर्टेंट तरीन बात है, मेरे पास मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स, और वो ये ज़रूर कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब हमें 5 साल पहले पता चला था हमें ब्लड प्रेशर है, मगर ये जो दवाई लिखी हुई है ना ये मैं कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती, कभी खाता हूँ कभी नहीं खाती, तो ये वाली चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर ने बताया है, डायग्नोस किया है टेस्ट करा के या चेक करने के बाद, और उसने कहा है कि आप ब्लड प्रेशर का मरीज़ हैं, चाहे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा रहता हो या बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता हो, डॉक्टर ने अगर दवाई दी है तो आपने उसको डेली लेनी है, हर रोज लेनी है। ये नहीं हो सकता आप कहें जी मेरा ब्लड प्रेशर जिस वक्त बढ़ता है तो मैं लेती हूँ, जिस वक्त ठीक होता है तो मैं नहीं लेती। ये तो वही वाली बात होगी ना कि खाने के टाइम पे हम सोचते हैं कि नहीं अभी भूख नहीं लगी, हम नहीं खा रहे सामने। मेरे पास ऐसे हजारों पेशेंट्स आए हैं और आते हैं, बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनकी यही प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर साहब हम दवाइयाँ लेते हैं मगर कभी लेते हैं, कभी की कोई बात नहीं होती, 3 दिन लिए छोड़ दें, नहीं। आपको अगर आप ब्लड प्रेशर एक दफ़ा डायग्नोज हो चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, कम हो या ज्यादा हो, अगर एक दफा डायग्नोज हो गया या निचले हिस्से का ब्लड प्रेशर हो या ऊपर ज्यादा सीवियर हो, उस दोनों के लिए आपको दवाइयां लेनी है कंटिन्यूसली, ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम प्रॉपर डिटेल में, अभी हम कुछ देर के लिए कॉल्स नहीं लेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रिस्क फैक्टर की हम बात करें कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस बाद में क्या पैदा होने के इम्कान होते हैं। ठीक है, देखें रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो उम्र के साथ, एज बढ़ने के साथ आते हैं, जैसे मैंने बताया 60 से ऊपर वालों को हो सकता है अमूमन आपको नज़र आता है। उसके अलावा वेट जो है ना, वेट को कंट्रोल रखें प्लीज़ वेट, क्योंकि अगर आपकी फैट चर्बी ज़्यादा होगी तो आपकी, ये समझने वाली बात है, अगर आपकी चर्बी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस ही बात है खून हमारा ऑक्सीजन भी लेकर आता है हमारी पूरी बॉडी में और खाना पीना भी लेकर आता है, जो हमारे डिफरेंट अज़ा को देता है, खून देता हुआ जाता है ना हमारे डिफरेंट, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मतलब खाना पीना उन अज़ा के लिए। अगर हमारे यहाँ बॉडी में फैट, हर ऑर्गन पे फैट बढ़ा हुआ होगा, चर्बी बढ़ी हुई होगी, तो खून के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी उन अज़ा की, उन फैट्स की, टिश्यूज़ की, तो उन जब टिश्यूज़ की गज़ा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट्स खाने पीने की डिमांड बन जाएगी, जैसे हमारा खाना पीना होता है इसी तरह इनका भी होता है, तो फिर क्या होगा, आर्टरीज तंग होंगे, ब्लड प्रेशर का फ्लो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा डिमांड मांगेगा ऑर्गन, तो उससे हमें ब्लड प्रेशर होने का खतरा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को, बराए मेहरबानी, ब्लड प्रेशर सारी बीमारियों की जड़ है, एक ब्लड प्रेशर और दूसरा मोटापा सारी बीमारियों की जड़ है, मोटापे को कंट्रोल रखें, इंशाल्लाह आप डायबिटीज से भी बचे रहेंगे और ब्लड प्रेशर से भी बचे रहेंगे, और इसमें स्ट्रेस कम लें, स्ट्रेस जो है वो एक टेंशन, स्ट्रेस जो है वो लीड करती है शुगर को भी और ब्लड प्रेशर को भी, उसका भी यही काम है, क्योंकि स्ट्रेस में आदमी, अगर आपने सुना हो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं स्ट्रेस में भाई ज़्यादा खाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं ज़्यादा खाता हूँ स्ट्रेस में, कुछ लोग कहते हैं मैं सिगरेट ज़्यादा पीता हूँ स्ट्रेस में, कुछ लोग मजीद एडिक्शन है जैसे अल्कोहल है ये सब, तो वो स्ट्रेस में लोग ज़्यादा लेते हैं, तो स्ट्रेस को नहीं होने दें, लाइट रखें जिंदगी में, पहले इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिंदगी में नॉर्मल गुजारे। और डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन हमारे लोगों को तो यही नहीं पता कि स्ट्रेस चीज़ क्या है, हमारा कोई खिलौना टूटा ये लो जी स्ट्रेस आ गया, हमने किसी दोस्त के साथ झगड़ा किया ये लो जी स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस को हमने यूँ समझ लिया कि कोई मजाक हो गया, स्ट्रेस नहीं हुआ,
नहीं, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और कुछ लोग की बच्चों की परवरिश ऐसी होती है कि वो बड़ी सेंसिटिव होते हैं, लड़कियों को खासतौर पर स्पेशली, उनकी जाहिर बात है हर माँ बाप अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालते हैं, अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पालते हैं, तो अगर वो जैसी बड़ी होती हैं तो फिर उनकी शादियाँ होना, दूसरे घरों में जाना, उस माहौल से अटैच होना, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ाई की हैं, ये सारी चीज़ें, इसी तरह लड़कों के साथ भी है, माँ बाप अपने बेटों को भी बड़े प्यार से पालते, तो वो होता क्या है कि ज़िंदगी भर आप माँ बाप, मतलब आपने टीनेजर एज पर, यंग एज, एकदम से आप जब जिंदगी में खुद आके खड़े होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें फेस करने को मिलती हैं, चाहे काम के लिहाज से हो या मौलिया एनवायरमेंटल, यानी कि सिंपल ये कि चीजों को डील करना चाहिए, सेंसिटिव नहीं बनना चाहिए, आपको फेस करना चाहिए। तो आपको बता दी चलूं कि पाकिस्तान के दिल से हमारे साथ कॉलम मौजूद है, पाकिस्तान का दिल, कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत खुशामदीद आपको कहेंगे। कौन बात कर रहे हैं आप? खैरियत है जनाब, ठीक है आप? जी जी अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। नाम तो बताइए। आपका प्रोग्राम देख के बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। नाम बताइए। मैं मुजफ्फराबाद के ऊपर जिला नीलम से बोल रहा हूँ। जी, कोई सवाल करना चाहते हैं? आपसे मशवरा लेना था, शुगर के हवाले से, शुगर बहुत ज्यादा रहती है। आप अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा ये बताइए, आप शुगर के लिए कोई दवाइयाँ लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई इंसुलिन क्या कुछ यूज करते हैं? दवाई वगैरह बहुत इस्तेमाल किया है शुगर की। जी जी, कितनी रहती है आपकी नाश्ते के दो घंटे बाद की शुगर, रैंडम शुगर कितनी रहती है आपकी? शुगर तकरीबन 200 से बाव रहती है। 200 से बाव ज्यादा है। 200 से ज्यादा या कम? ज्यादा है। देखें, उसके लिए मैं यहाँ बैठ के तो आपको दवाइयाँ तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरे बताने से ये ना हो कि आप कोई गलत दवाई खरीद लें और गलत तरीके से खा लें। उसके लिए अगर आप कभी भी कराची आएँ तो ये कोई मसला नहीं है, ये 10 दिन की बात है, आपको प्रॉपर दवाइयों पे रख के थोड़ा सा आपको डाइट वाइट सही करके, उसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको उसके लिए आना मेरे पास ही पड़ेगा। सही भाई, मतलब ये करें कि जी सर, बात आपने सुन ली? जी बात तो सुन ली, हमारे यहाँ लाइट चलेगी, आपका प्रोग्राम जो है ना नहीं देख पा रहे आप एक काम करिए, जैसे इन्होंने बताया था मिस शाजिया ने, कि आप इनके YouTube पे भी हमारे शुगर के प्रोग्राम्स पढ़े हैं, सलाम सिंध के पेज पे पढ़े होंगे, या मेरी फेसबुक आईडी है डॉक्टर सलमान जमान खान के नाम से, उसको जाके लाइक करें, उसमें पेजेस होंगे, प्रोग्राम्स पढ़े हुए होंगे शुगर के, और डिफरेंट और भी मैं शोज पे जाता हूँ, तो उन सबको देखें। वरना आज क्योंकि शुगर के हवाले से ज्यादा बात हो रही है, तो अभी जाके मैं दोबारा उस प्रोग्राम को अपलोड करवा दूंगी स्पेशली आप लोगों के लिए, ठीक है? और उसके ऊपर एक बड़ी सी हेडिंग भी डलवा देंगे कि भाई ये शुगर का स्पेशल शो है, तो आप अगर उसको देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उससे फायदा होगा। ठीक है, ठीक है जनाब। ओके, और अगर पाकिस्तान के दिल से जरा इधर उधर गुर्दे की तरफ भी आ जाइए, कराची आना हो तो मजीद आपके लिए अच्छा हो जाएगा। चले जी, बहुत शुक्रिया नवाजिश, आपने कॉल की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी दूर से आपने कॉल की। यही इसी को मोहब्बत कहते हैं कि लोग इतना ज्यादा सलाम सिंह को देखते हैं। सो बातचीत को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रिस्क की बात हो रही थी और कॉम्प्लिकेशंस की बात हो रही थी, तो ये बिल्कुल ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, इसमें स्ट्रेस है, उम्र का है, और वही टोबैको अच्छा किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप उसको चबाएं, चाहे आप उसके सिगरेट की शक्ल में लें, ये दोनों आपके आर्टरियों को जाके तंग करती है और नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, उसके अलावा इस फैक्टर में ये आपके आँखों की वैसल को मतलब नुकसान पहुंचाती है, कि गुर्दों की वैसल को नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, लोगों का अमूमन सोचना होता है गुर्दों की वजह से जी ब्लड प्रेशर हो रहा है, नहीं जी, ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे अफेक्ट होते हैं, उसमें एड्रेनल ग्लैंड्स, तो ठीक है ये भी रीज़न कुछ हद तक ठीक है उसकी वजह से होता है, मगर बात यह है, ये बड़ी टेक्निकल बात है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर बात यह है कि ये किडनीज को भी अफेक्ट करती है। इट इज़ लाइक सेम एज डायबिटीज़। तो मैं बराए मेहरबानी बार बार ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्लड प्रेशर को सीरियसली लें, ब्लड प्रेशर एक कॉम्प्लिकेटेड डिफेक्ट कह सकते हैं उसको, और बीमारी है जो कि ये लीड करती है, लोगों का अंदाज़ा नहीं है। अगर आप अनकंट्रोल्ड रहे, अगर ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना रहे, तो ये दिमाग में रग भी फट सकती है आपकी, जिसको स्ट्रोक कहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसकी अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेजर तो मैं चाहूँगा कि कॉम्प्लिकेशंस को हम जरा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि रिस्क की हमने बात करी तो लाजिम है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन लड़का ने से हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी दी, केयर पे गल आयो? मां लाड़काने खां दी गल आया दी रोजीना। अदी लाड़काने खां रोजीना, ठीक। अदी को सवाल आहे भेण? जोड़न में दर्द है। अम्मी जी उम्र केतरी आए? 45 साल।
45 साल ठीक है दी तहां के जवाब दियो था ब्रेक खां पोए सही है सो प्रोग्राम मा दिसंदु रहो वरी मेहरबानी अवा कॉल कई जी व्यूअर्स एनी जगह बक्ता है हते गड़े मुक्त से ब्रेक जो सो ब्रेक ना वदना सी ब्रेक खां पोए मा जॉइन करना सी दिसना रहजो सिन टीवी मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध 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 जी व्यूअर्स नंढड़े ब्रेक खां पोए असां वापस अची चुका आहियूं डॉक्टर सलमान ज़मान खान असां सां गॾु मौजूदु आहे ऐसा निर्मल ॻाल्हि पई हले बीपीए जे हवाले सां बट उहा ई ॻाल्हि आहे आगाज़ में जेका थी त ख़बर न आहे छो असां कुझु मर्ज़ अहिड़ा आहिनि हालांकि समूरियुनि बीमारियुनि जी जड़ उहे मर्ज़ आहिनि पर असांखे लॻंदो आहे मथे में सूरु पियो काई ॻाल्हि न आहे गोरी खाई वरिती बी पी हाई आहे काई ॻाल्हि न आहे जेकॾहिं असां को काढ़ो पी वरितो लो आहे काई ॻाल्हि न आहे का बोतल पी वरिती को मसिलो ई न आहे मतिलबु अॼु असांजे लाइ हालांकि अवां सभिनी खे एतिरा दफ़ा असां ॿुधाए चुका आहियूं त सभ खां वॾो मसिलो अवांजो बी पी आहे तव्हांजी बी पी लेवल जेकॾहिं ठीकु न आहे त सॼा मसिला इतां शुरू था थियनि ऐं जेकॾहिं तव्हांजो बी पी नॉर्मल आहे त इते ई तव्हांजा समूरा मसिला अची ख़तमु थी था वञनि सो इन करे इन मर्ज़ खे एतिरो लाइट न वठो छो जो हिन महिल ताईं असां इलाही इनखे सॉफ्टली अॻिते खणी हलूं पिया ऐं इलाही असां कोशिशि कई त घणो तव्हांखे ड्रो ॾियारियो न हिन मर्ज़ जे हवाले सां हालांकि हीअ काफ़ी मां सम्झां थी त ख़तरनाक आहे इनखे सम्झण जी ज़रूरत आहे इन करे मां सोचो त जंहिं मां ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदसि छाजे करे जो वक़्तु असां वटि इलाही घणो महदूदु आहे त मां कॉम्प्लिकेशन्स ते डायरेक्टली ईंदमि त असां जेको सम्झूं था त हीउ मर्ज़ु कुझु बि कोन आहे जेकॾहिं मथे में सूरु इलाही घणो थी थो वञे बी पी लेवल इलाही घणी हाई थी थी वञे त को मसिलो कोन्हे मसिलो आहे उहो मसिलो कहिड़ो आहे डॉक्टर सलमान आप बताएंगे कि कॉम्प्लिकेशन्स क्या है क्योंकि वही बात आ गई कि हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं है लेकिन लाइन पर भी देखते हैं कि कौन है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम नाम बताइए अपना जी मेरा नाम जो है मुर्सलीन है कराची से बोल रहा हूँ ओके माशाल्लाह मुर्सलीन साहब क्या जानना चाहते हैं आपका सवाल क्या है ये बेटा आई एम कार्डियक एंड डायबिटिक पेशेंट आप डायबिटिक मेरा कैबेज होया हुआ है मेरी शुगर जो है ये कुछ कंट्रोल नहीं हो पाती है okay. अच्छा कभी कंट्रोल होती भी है तो मैं जरा डाइट के अंदर कुछ मैं मीठा वगैरह का ज्यादा शौकीन हूँ तो वो मुझको थोड़ा उसका साइड इफेक्ट है मेरी बात सुने आपको कितने अरसे से ये मर्ज लाहिक है सॉरी बेटा आपको कितने अरसे से शुगर है कितना टाइम हुआ इस बात बेटा सॉरी फ्रॉम लास्ट 20 ईयर 20 साल हो चुके हैं इस अरसे में आप अभी इंसुलिन पे हैं या कोई मेडिसिन ले रहे हैं नहीं मैं मेडिसिन पर हूँ इंसुलिन से मुझको थोड़ा सा खौफ या डर रहता है अच्छा ठीक है लेकिन मैं मेडिसिन पर हूँ कंट्रोल भी हो जाती है कुछ में हर्बल दवाइयाँ भी जैसे आपके शो के अलावा और भी बहुत से शो आते हैं उसमें बहुत से हर्बलिस्ट आते हैं तो मैं उनसे भी रास्ते में रहता हूँ अच्छा तो मुझको ये पता करना था डॉक्टर साहब से डॉक्टर सलमान से रैंडम की ज्यादा इम्पोर्टेंस है या फास्टिंग की ज्यादा इम्पोर्टेंस है okay. अच्छा दूसरा ये कि शुगर का ताल्लुक जो है कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह के से भी होता है या नहीं प्लस okay. ये कि शुगर जो है मॉर्निंग के अंदर जो है कुछ ज्यादा होती है लेकिन मैं नाइट वगैरह में जब चेक करता हूँ तो वो कम होती है प्लस डॉक्टर साहब का क्लिनिक कहाँ है अगरचे मैं आऊँ और ये सिंध चैनल के हवाले से आऊँ तो डॉक्टर साहब को डिस्काउंट वगैरह या कुछ उसमें हमको रिलीफ देंगे सर, ये सारी जरा डिटेल बताइए सलीम साहब मैं आपने बस यहाँ रिसीवर रखा आपका जवाब हम अभी देते हैं और सेंटर की आपने बात की तो बिल्कुल डिटेल्स हम बता भी चुके हैं आपको अभी बताते भी हैं कि आप कहाँ डॉक्टर सलमान से मिल सकते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है आप उसको नोट कर लीजिए मजीद आपको आसानी हो जाएगी ठीक है बहुत शुक्रिया आपने कॉल की बहुत अच्छा लगा जी डॉक्टर सलमान माशाल्लाह इतने सारे सवाल एक साथ मुर्सलीन साहब ने मिला दिए तो जवाब आप देंगे मुर्सलीन साहब नीड्स टू बी काउंसल्ड ओके ही शुड बी प्रॉपरली काउंसल्ड इनकी काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत राइट और अगर इफ ही इज सेइंग दैट ही इज डायबिटिक सिंस लास्ट 20 इयर्स ठीक सो उनको इसकी काउंसलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत जैसे उन्होंने कहा जी मैं दूसरे प्रोग्राम से भी देखता हूँ लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ जो डॉक्टर हजरात आते हैं सॉरी टू से मैं लाइक हर्बलिस्ट वही जी सॉरी टू से जितने भी शोज और हैं मॉर्निंग शोज आप डिफरेंट मीडिया चैनल्स को उठा लें हार्डली प्रॉपर डॉक्टर्स आते हैं बाकी दूसरे फील्ड के लोग बैठे होते हैं दे आर नॉट प्रॉपर डॉक्टर्स दे डोंट नो अबाउट मेडिसिन
तो प्लीज़ या तो आप प्रॉपर लोगों से पहले पूछें, और दूसरी बात यह है कि कोई मसला नहीं है इनका, कॉन्स्टिपेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। अगर अनकंट्रोल्ड शुगर रहे उससे हो जाती है कब्ज, और इसका ताल्लुक सारा लबलबे से है और आपके खाने पीने से। ही हैज़ टू स्टॉप हिज हैंड्स ऑन शुगर, इनको अपने हाथ रोकना पड़ेंगे मीठे पे, जैसा कि इन्होंने खुद कहा कि मीठा खाते हैं तो इनको रोकना पड़ेंगे। वही बात यह है कि इनको काउंसलिंग की सख्त जरूरत है, इनका डोजेज हल्का फुल्का हम सेट करेंगे, सेट हो जाएगा, मगर उसके लिए इनकी डाइट को और लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करने की, मेडिकल सेंटर का, मेडिकल सेंटर जैसा मैं पहले एड्रेस वगैरह दोबारा मैं चाहूंगी रिपीट कर दीजिए। देखिए गुलशन चुरंगी मेन उसका स्पॉट है, गुलशन इकबाल में, सबको पता है गुलशन, पूरी कराची को पता है गुलशन चुरंगी कहाँ है, बहुत मशहूर जगह है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे एक शादी हॉल है जिसका नाम है अल निसा शादी हॉल, अल निसा शादी हॉल, बहुत पुराना, वहाँ 20 साल से वो शादी हॉल काफी पुराना, उसी के साथ अंदर गली आ रही है उसमें है अलवासे मेडिकल सेंटर। ठीक, वरना किसी से पूछेंगे तो भी आपके, हाँ वहाँ बोर्ड लगे हुए नजर आ जाता है, बिल्कुल बोर्ड लगे हुए, फिर हमारे सेंटर के नंबर जो चल रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दे विल गाइड यू। जी, और मजीद इवन आप हमारे अगर चाहें तो ओबी से भी डिटेल्स ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, एनी टाइम आप कॉल करके यहाँ से डिटेल ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप जस्ट मॉर्निंग शो के टाइम में कॉल करें, इसके बाद भी जब आपको टाइम मिले आप कॉल करें। मुरसलीन साहब मुझे पढ़े लिखे आदमी लग रहे थे बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि उनको 20 साल से शुगर है, तो 20 साल से वो शुगर के पीछे लगे हुए हैं उसको पढ़ने के लिए, और वो डिफरेंट शोज भी देख रहे होंगे, पता नहीं कब से कितने अरसे दराज से, तो इन बातों से ये अंदाज़ा हो जाता है कि मुरसलीन साहब इज़ नॉट प्रॉपरली काउंसल्ड, वो ये जो शोज देख रहे हैं उल्टे सीधे उससे ये आधे काउंसल्ड हैं आधे नहीं हैं, तो प्रॉपर लोगों के पास जाएं बड़ा मेहरबानी, और प्रॉपर लोगों से पूछें, अपना बेड़ा गर्क ना करें उल्टे सीधे लोगों के सुन के और उल्टे सीधे लोगों के जाके मॉर्निंग शोज में प्रॉपर आजकल होना, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम मॉर्निंग शो, जो दूसरे चैनल गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्या है ना कि आजकल कमर्शियल जमाना है, जहाँ थोड़ा सा फायदा हुआ लोग उसके पीछे भागते हैं, और ये मेरे ख्याल से वक्त की ज़रूरत है, कोई भी इंसान जानबूझ के नहीं कर रहा होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इवन जितने भी डॉक्टर्स आते हैं हम कोई सवाल ये पूछते ही नहीं है कि इसके लिए दवाई क्या आप बता रहे हैं, दवाई का कोई काम नहीं है यहाँ पर, कोई फायदा नहीं है, दवाई कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते, मैं उनका डोज थोड़ी एडजस्ट कर सकता हूँ या टीवी पे बैठ के, पॉसिबल नहीं है, ये ना मैं डोज हाई कर दूँ तो उल्टा शुगर ही कम हो जाए, हाइपो में चले जाए, वो उल्टा खतरनाक जानलेवा हो जाए, तो ये आप कैसे ट्रीटमेंट बता सकते हैं। डॉक्टर सलमान थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा, और यकीन करें अभी बहुत सारी बातें बीपी के हवाले से रह गई, लेकिन मुझे बड़ा मतलब अफसोस हुआ कि जाने क्यों वही फिर से बात आ गई कि इतना सीरियस आज भी इस मर्ज को किसी ने नहीं लिया, हालांकि हम जानते हैं आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम फिर ज़रा डिटेल के साथ बात करेंगे शुगर के ऊपर भी, क्योंकि शुगर के हवाले से हम चाह रहे हैं कि मजीद एक आध शो करें आपके साथ, तो आप उम्मीद करती हूँ कि टाइम नेक्स्ट प्रोग्राम शुगर का रख लेते हैं, ओके इंशाल्लाह। सो बहुत शुक्रिया, कोई मुख्तसर पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मुख्तसर पैगाम ये जी, सिंध टीवी और सिंध टीवी के लोग ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं प्रॉपर लोगों को बुला के, ये सदका जारी है, और उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, और ये काम आप लोग कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच, एंड सैफ बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत सुर में गाया, और आखिरी सॉन्ग भी हम आपसे सुनेंगे। लाइक शाह साहब थैंक्स अ लॉट कि माशाल्लाह आपने कीमती वक्त दिया और इतने ज़बरदस्त साज को यहाँ पर लेकर आए हमारे व्यूवर्स के लिए, इसको प्ले किया, सो थैंक यू सो मच। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, मुहर्रम साहब थैंक्स अ लॉट, एंड व्यूवर्स अवां सभी जी थोराती आया माजरत सां जेकॾहिं का ॻाल्हि अवां खे बुरी लॻी हुजे या तकलीफ़ थी हुजे, इंसान आहियूं ख़ता जा पुतला आहियूं, पंहिंजो सभिनी माफ़ु करे छॾींदो, तमामु सुठी ॻाल्हि, इनशाला ज़िंदगी साथ ॾिनो त सुभाणे वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी, तेसीं ताईं पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो, मूंखे पंहिंजी मेज़बान शाज़िया करीम जिलानी खे ॾींदा इजाज़त, अलाह हाफ़िज़ जी। किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, जा।
जन्नत से कम नहीं दुनिया किसी के प्यार। पड़े पल के उठा के